स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 53 नंबर, यानी 53वां लेक्चर करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन आरोपण। आरोपण के मैंने प्रकार आपको बताए थे कि आरोपण जो है घटना मैंने बताई थी कि वह एक प्रक्रिया भ्रूणीय विकास के दौरान जिसमें ब्लास्टुला जो है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर में जाकर के धंस जाता है, इस घटना को इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। अब देखिएगा, आरोपण अपने बात की थी तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट था सतही, उत्केंद्रीय और अंतराली सतही, दूसरा उत्केंद्रीय आरोपण और तीसरा था अंतराली आरोपण, अंतराली आरोपण। अब देखिएगा, सतही जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सुपरफिशियल, जिसको इंग्लिश में सुपरफिशियल कहा जाता है, इसको एसेंट्रिक और इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल। तो इस तरह से तीन प्रकार का आरोपण इसमें पाया जाता है, जो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। ज़्यादा अपनी पहली बात करते हैं सतही की। सतही आरोपण की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो आरोपण की घटना होती है इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण कह सकते हैं या ब्लास्टुला कह दो या कोरियोनिक सैक कह दो, तो वो गर्भाशय की जो मेन कैनाल है या जो ल्यूमन ऑफ यूट्रस है उसी के अंदर क्या रहता है, स्थित रहता है। कौन? कोरियोनिक सैक, गर्भाशय की जो मेन कैनाल है उसी के अंदर क्या रहता है, स्थित रहता है। वो केवल और केवल ल्यूमेन की जो एंडोमेट्रियम है उसके केवल संपर्क में ही रहता है और वो कहीं पर भी धंसा हुआ नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल कुत्ता और बंदर होता है। तो सतही आरोपण की यदि हम परिभाषा की बात करें, इस आरोपण में, और मैं आपको स्टूडेंट एक बात बताता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना आरोपण, क्योंकि आरोपण क्या है, आरोपण के प्रकार क्या है, ये आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी दोनों जगह लगता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इस आरोपण में, कोरियोनिक सैक या यूँ कह दें ब्लास्टुला या भ्रूणीय अवस्था, एक ही बात है, भ्रूणीय अवस्था का कोरियोनिक सैक गर्भाशय के गुहा में ही स्थित रहता है, में ही स्थित रहता है। और केवल एंडोम्यूट्रियम से संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है। एग्जाम्पल इसका मैंने बताया था कुत्ता और बंदर है। एग्जाम्पल क्या है इसका? कुत्ता व बंदर। इसका यदि हम डायग्राम में इस प्रकार से, ये क्या कहलाता है? सतही आरोपण। अब सतही आरोपण में आपको दिख रहा है कि ये एंडोमेट्रियम है, ये कोरियोनिक सैक है, ये ल्यूमेन ऑफ यूट्रिस है, ल्यूमेन ऑफ यूट्रिस। तो इसके अंदर केवल क्या है, देखिएगा कि ये कोरियोनिक सैक ओवरी के अंदर, यूट्रिस के अंदर आ गया, यूट्रिस के अंदर आकर के केवल कहीं धंसा हुआ नहीं है, केवल और केवल क्या है, गर्भाशय की गुहा में मौजूद है और गुहा में रहते हुए क्या कर रहा है, ये इस एंडोमेट्रियम से संपर्क में रहता है।
ये किस ये एंड्रो इस प्रकार का आरोपण किस प्रकार पाया जाता है कुत्ते में बंदर के अंदर। दूसरा जो अपना है वो कौन सा है, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम उत्केंद्रीय आरोपण भी कहते हैं, जो गिलहरी और चूहे में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखें, इस प्रकार के आरोपण में कोरियोनिक सैक कुछ सैक का कुछ भाग गर्भाशय के गुहा में स्थित रहता है, वह कुछ भाग गर्भाशय वलन में स्थित रहता है। तो ये कौन सा आरोपण कहलाता है, उत्केंद्रीय आरोपण। जो भी डायग्राम से देखेंगे इसका एग्जांपल जो है गिलहरी और चूहा है, गिलहरी में सुहा। अब इसके अंदर क्या हुआ देखिएगा, इस तरह से इस तरह से स्थित रहता है, किसके अंदर, गुहा के अंदर। ये स्थिति रहती है। तो इसके अंदर देखिएगा ये एंडोमेट्रियम है, ये कोरियोनिक सैक है, और ये एसेंट्रिक पोजीशन है। ये ल्यूमेन ऑफ यूट्रस है, ल्यूमेन ऑफ यूट्रस है। तो अब देखिएगा इसके अंदर क्या है कि जो सतही आरोपण था उसके अंदर केवल तो ल्यूमेन के अंदर मौजूद था, कोरियोनिक सैक या एम्ब्रियो के दो या ब्लास्टुला के दो, केवल किसके अंदर था, या ल्यूमेन के अंदर था। और एंडोमेट्रियम के क्या केवल संपर्क में था। यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम अंदर की ओर एक प्रकार से फोल्ड बन जाती है, उस फोल्ड के अंदर क्या स्थित रहता है, ये कोरियोनिक सैक व्यवस्थित रहता है। अब कोरियोनिक सैक का आप देख सकते हो आधा भाग इस ल्यूमन के संपर्क में भी है और आधा भाग जो है वो किसके अंदर है, इस फोल्ड के अंदर है। तो इस प्रकार का जो आरोपण है वो क्या कहलाता है, उत्केंद्रीय आरोपण कहलाता है। और जो किस में पाया जाता है, गिलहरी और चूहे के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार का ये जो आरोपण है ये क्या कहलाता है, एसेंट्रिक इम्प्लांटेशन या उत्केंद्रीय आरोपण कहलाता है। अब जो नेक्स्ट अपना आरोपण है वो अंतराली या जिसको इंटरस्टिशियल आरोपण भी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा ये हो देखिएगा,
इसका एग्जाम्पल अंतराली आरोपण के अंदर क्या होता है कि जो कोरियोनिक सैक है वो पूर्णतया एंडोमेट्रियम में क्या है, धंस जाता है, और उसका जो ये कह सकते हैं कि गर्भाशय की जो गुहा है उससे कोई संपर्क नहीं रहता, यानी जो कैविटी ऑफ यूट्रिस है या ल्यूमन ऑफ यूट्रिस है उससे कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इस प्रकार के आरोपण में, इस प्रकार के आरोपण में कोरियोनिक सैक सैक पूर्ण रूप से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, कि एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, धंस जाता है, और इसका गर्भाशय की गुहा से कोई संपर्क नहीं रहता है, नहीं रहता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? चमगादड़ व मनुष्य, चमगादड़ व मनुष्य। अब यदि इसका हम देखें डायग्राम तो ये इस तरह से बनेगा। अब ये स्थिति रहती है इसके अंदर, ये कैविटी है, ये ल्यूमेन ऑफ यूट्रियस है, ये क्या है? कोरियोनिक सैक। ये देखिएगा पूर्ण रूप से अंदर धंस गया, ये इसके एंडोमेट्रियम और ल्यूमेन छोटा सा भाग बचता है, यहाँ इस एरिया के अंदर जहाँ धंस जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका अंतराली आरोपण इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल यानी अंतराली का मतलब पूर्ण अंदर तक गर्भाशय में धंस जाना, किसके? एंडोमेट्रियम लेयर में। और एंडोमेट्रियम लेयर इस प्रकार से क्या है, इसको घेर लेती है, कहाँ? इसको चारों तरफ से। तो ये क्या कहलाता है आपका? अंतराली आरोपण या इंटरस्टिशियल, ये किसके अंदर पाया जाता है? चमगादड़ और मनुष्य के अंदर। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये तीन प्रकार के आरोपण पाए जाते हैं, किसके अंदर? स्तनधारियों के अंदर। और तीनों ही प्रकार के आरोपण जो है वो होने के बाद में ही क्या है, इनमें प्लेसेंटा बनते हैं, प्लेसेंटा बनने के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, अब देखिएगा अपने ओवुलेशन खत्म हो गया है, इम्प्लांटेशन खत्म हो गया है, अगला जो अपना टॉपिक है वो है जेस्टेशन पीरियड। क्या है? जेस्टेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं गर्भावधि, और उसका यूँ कह सकते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल। तो गर्भावधि की यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा की यदि बात करें, निषेचन से लेकर
परसव पूर्व काल जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि कहलाती है। जेस्टेशन से लेकर के परसव पूर्व काल जो है या परसव तक का काल क्या कहलाता है? जेस्टेशन पीरियड गर्भावधि कहलाती है। अब अपने को पता है कि जो गर्भावधि है इसकी अगर अपने बात करें कि स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब यानी अंडोसरग होता है। अंडोसरग के होने के बाद में क्या होता है कि जो फिम्ब्री है फैलोपियन ट्यूब की, वो उस अंडे को कहाँ खिसका लेती है? फैलोपियन ट्यूब में खिसका लेती है। और खिसकाने के बाद में क्या होता है? वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन की जब क्रिया होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो निषेचन है वो हो रहा है तो उसी दौरान अंडाशय के अंदर कार्पस ल्यूटियम बनी रह रही है। और कार्पस ल्यूटियम के बने रहने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एडेनोहाइपोफाइसिस का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अब अपने यदि देखें तो गर्भावस्था को जो है दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? गर्भावस्था की ल्यूटील अवस्था और प्लेसेंटा अवस्था। क्योंकि गर्भावस्था की जो ल्यूटील अवस्था है इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम बनी हुई होती है। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसको साइक्लिक ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो अपने कार्पस ल्यूटियम है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में बनी रहती है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में क्या करती है? बने रहते हुए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको पता है कि गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। जो क्या काम करता है? मैंने बताया था कि ये एंडोमेट्रियम की मोटाई को प्रेरित करता है क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। उसके अलावा गर्भाशय के अंदर ग्रंथियों का विकास और ब्लड सप्लाई को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये तीनों घटनाएं होती हैं कि एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ जाती है, उसके अंदर रक्त संचरण बढ़ जाता है, ग्लैंड्स की संख्या बढ़ जाती है, वहाँ अन्य उपयोगी पदार्थों का भी संचय हो जाता है, तो उसके पश्चात में क्या होता है कि जाइगोट में विघटन प्रारंभ हो जाते हैं इसी दौरान। और अंडोत्सर के 7 दिन बाद में भ्रूण का क्या होता है? आरोपण होता है, जो कि मैंने बताया था। और आरोपण होने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि अब नेक्स्ट अवस्था कौन सी आती है? प्लेसेंटा अवस्था आती है। क्योंकि अभी आपने आरोपण किया तो आरोपण में मैंने बताया कि आरोपण होने के बाद में फिर क्या बनते हैं? प्लेसेंटा बनते हैं। प्लेसेंटा आती है तो प्लेसेंटा क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लेसेंटा माता और गर्भाशय के भ्रूण और गर्भाशय के उत्कों के बीच में बनने वाला एक अस्थायी संबंध है। हम स्थायी संबंध नहीं कहते इसको, कैसा संबंध कहते हैं? अस्थायी संबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बच्चे के जन्म के समय या प्रसव के समय प्लेसेंटा टूट करके बाहर निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, और नए बच्चे के जन्म के समय नया प्लेसेंटा बनता है, तो ये स्थायी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया? एक अस्थायी संबंध है। उस अस्थायी संबंध को ही क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा मतलब माता के गर्भाशय और भ्रूण के उत्कों के मध्य बनने वाला एक अस्थायी संबंध है। क्या उसको हम कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हम वैसे डिटेल में डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, अलग अलग जंतु में अपने देखेंगे। उसके बाद में प्लेसेंटा का काम क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ कि प्लेसेंटा जो है वो मुख्यतः काम क्या करता है कि ये भ्रूण को जो डेवलप हो रहा भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है, उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है, और भी जो उपयोगी पदार्थ है वो सारे के सारे प्लेसेंटा द्वारा ही गर्भ तक पहुंचते हैं। बदले में गर्भ के अंदर या भ्रूण के अंदर जो बने हुए उपयोगी पदार्थ जैसे CO2 उत्सर्जी पदार्थ है वो सारे के सारे प्लेसेंटा के द्वारा ही माता के रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार प्लेसेंटा का ये क्या कार्य है? उसके अलावा प्लेसेंटा एक ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भावस्था को क्या बनाए रखने वाला क्या हार्मोन है, इसलिए इसको क्या प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद में प्लेसेंटा द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में एस्ट्रोजन का भी क्या किया जाता है? स्त्राव किया जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा भी बनते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि पहले इसमें जो गर्भावस्था 3-4 सप्ताह बाद में एस्ट्रोजन और 6 सप्ताह के बाद में क्या होता है इसमें प्रोजेस्टेरोन बनता है। यानी पहले एस्ट्रोजन बनता है उसके बाद में क्या प्रोजेस्टेरोन बनता है। हालांकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कार्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा भी बनते हैं, परंतु ये प्लेसेंटा के द्वारा भी बनने वाले हार्मोन है। तो पहले लगभग जो तीसरा या 4th सप्ताह जो होता है उसके दौरान तो एस्ट्रोजन बनता है, और 6 सप्ताह के बाद में कौन सा हार्मोन बनने लग जाता है इसमें? प्लेसेंटा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन भी बनने लग जाता है। उसके बाद में जो 6 सप्ताह के बाद में प्लेसेंटा द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का स्त्राव होता है, और
मैं आपको बता देता हूँ कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों बनेंगे, तो ये दोनों के दोनों हार्मोन है ये कार्पस ल्यूटियम का स्थान लेते हैं। तो इसका मतलब लगभग छठे सप्ताह बाद में यदि प्लेसेंटा बन जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम का ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव कर रही है और वो काम छठे सप्ताह बाद में, भ्रूण के छठे सप्ताह बाद में, इनिशिएशन के छठे सप्ताह बाद में वो काम कौन करने लग जाता है, प्लेसेंटा करने लग जाता है। उसके बाद में यदि एक प्रश्न आता है कि यदि छठे सप्ताह से पहले शल्य क्रिया द्वारा हम कार्पस ल्यूटियम को हटा दे तो गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मैंने कल भी बताया था गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि यदि छठे सप्ताह से पहले यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटाएंगे तो प्लेसेंटा भी नहीं बनेगा, तो जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन नहीं बनेंगे, तो जिससे जो गर्भ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गर्भपात हो जाता है। और यदि छठे सप्ताह के बाद में मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा बनने के बाद में यदि हम कार्पस ल्यूटियम को शल्य क्रिया द्वारा हटाते हैं तो गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो काम कार्पस ल्यूटियम कर रहा था वो काम कौन करने लग जाता है, प्लेसेंटा करने लग जाता है। उसके बाद में प्लेसेंटा द्वारा HCG हार्मोन विस्रावित होता है, जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो है HCG जो हार्मोन है ये ल्यूटोट्रोपिक प्रभाव उत्पन्न करता है। उसके बाद में HCG जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन ही होता है, और HCG के द्वारा जो है इसके दो मुख्य काम है। HCG के पहला काम तो क्या है कि ये कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए प्रेरित करता है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गर्भावस्था में आप ये मत सोचना कि अगर प्लेसेंटा बन गया तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये हमने एक संभावना व्यक्त करी है कि यदि हम प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम को हटा दें या प्लेसेंटा बनने के बाद में कार्पस ल्यूटियम को हटाएं, तो ये मात्र एक संभावना है तो जिसको अपने व्यक्त किया है। तो अब क्या होगा कि जो प्लेसेंटा का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो छठे सप्ताह में दोनों बनते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, गर्भावस्था को बनाए रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो तीसरा जो हार्मोन बनता है प्लेसेंटा के द्वारा वो बनता है HCG हार्मोन। HCG जो हार्मोन होता है जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये हार्मोन भी दो काम करता है। पहला काम तो क्या करता है कि ये हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए प्रेरित करता है ताकि गर्भावस्था बनी रहे, और दूसरा काम क्या करता है कि ये हार्मोन जो है इसकी मात्रा मूत्र के अंदर पाई जाती है, तो मूत्र के अंदर यदि पाई जाती है तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो महिला गर्भावस्था में है या नहीं। आजकल कुछ मार्केट में स्ट्रिप्स आती हैं, उन स्ट्रिप्स से हम यूरिन की बूंद डाल करके उससे पता लगा लेते हैं कि फीमेल जो है वो जेस्टेशन पीरियड में है या नहीं, उसने गर्भ धारण किया है या नहीं। तो उस गर्भ धारण करने का हमारा रीज़न क्या होता है, क्योंकि जैसे निषेचन होता है, निषेचन के 14वें दिन उस फीमेल के अंदर प्लेसेंटा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू होने के बाद में क्या होता है कि उसमें HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो मूत्र के अंदर HCG की मात्रा पाई जाती है, और उस मूत्र को यदि हम जाँच करें, लेबोरेटरी जाँच जो हम बोलते हैं या उस ट्रिप के द्वारा जाँच करें, तो उससे हम HCG की उपस्थिति का पता लगा करके हम पता लगा सकते हैं कि महिला गर्भावस्था में, क्योंकि गर्भावस्था का मतलब ये हुआ कि उसमें प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का मतलब उसके अंदर HCG हार्मोन बन रहा है। उसके बाद में जो है प्लेसेंटा द्वारा जो है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की भी क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है, जो कि गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में होता है। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन होता है जिसको एक तो HCG पढ़े हमने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक पढ़े HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। अब ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है ये जो है हार्मोन, ये क्या करता है, स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, और ये गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में इसका स्राव शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये जो है हार्मोन दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है, इसलिए इसे प्लेसेंटल लैक्टोजन नाम भी दिया जाता है, और साथ में ये वृद्धि हार्मोन की तरह भी काम करता है, जो कि माता में ग्लूकोज और वसा के उपापचय को प्रभावित करता है। और ये जो है वसा माता के जो ग्लूकोज को प्रेरित करता है, जिससे क्या होगा कि माता का जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस भ्रूण को मिले, ताकि भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो चलता रहे। तो ये काम कौन करता है, इसके अंदर ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन करता है। और ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन है ये यूँ कह सकते हैं कि भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए या भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्तन ग्रंथियों का विकास कर रहा है, साथ में माता के शरीर के अंदर जो है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और वसा की मात्रा को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि वो प्लेसेंटा की सहायता से ये सारे पदार्थ भ्रूण को मिले और भ्रूण का डेवलपमेंट होता रहे। उसके अलावा प्रसव के समय जो है प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव भी किया जाता है, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये मैंने बताया हुआ है कि ये फीमेल की प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है।
तो रिलैक्स करने से क्या होता है, बच्चे का जो प्रसव है वो क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और साथ में प्लेसेंटा जो है वो एक इनहिबिन हार्मोन भी स्रावित करता है। इनहिबिन हार्मोन का काम क्या है, क्योंकि इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, FSH का संदमन कर देता है। और FSH का जैसे संदमन करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि FSH का संदमन होने से उस महिला के अंदर जब तक प्रेगनेंसी स्टेज रहेगी तब तक उसके अंदर नया रचकर प्रारंभ नहीं होता है। तो ये काम भी प्लेसेंटा इस काम को करे रखता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन स्रावित करता है। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गर्भावस्था की, प्रेगनेंसी स्टेज की या जेस्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, गर्भावधि की बात कर रहे हैं, तो गर्भावधि को हमने दो भागों में बांटा है, ल्यूटील अवस्था और दूसरी कौन सी है, प्लेसेंटा अवस्था। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ल्यूटील अवस्था के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, प्लेसेंटल अवस्था के अंदर कौन कौन से बनते हैं, एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बनता है, उसके अलावा जो है रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, और उसके अलावा इनहिबिन हार्मोन बनते हैं। ये सारे के सारे प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन हैं। और यदि इनमें से कोई भी हार्मोन अपना अगर टाइमिंग चेंज कर देता है तो जिससे हम समझ सकते हैं गर्भावस्था डिस्टर्ब हो जाए, जिससे गर्भपात हो सकता है। आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।